मैं राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल ज्ञान के इस नए वीडियो में। और आज आपने वीडियो के शुरुआत में हमारा नया एनिमेटेड इंट्रो देखा होगा। तो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है और आप भी अपने चैनल के लिए इसी तरह का एक एनिमेटेड इंट्रो बनाना चाहते हैं या फिर आप एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे जो एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप भी उस तरीके के एनिमेटेड इंट्रो या फिर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने चैनल का इंट्रो या फिर एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि एनिमेटेड वीडियोस एक बहुत ही अच्छा जरिया है हमारे चैनल पे ज़्यादा व्यूज लाने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर आपने दो वीडियोस बनाए हैं, एक में आपने सिंपली इमेजेस और टेक्स्ट का यूज़ किया है और दूसरा जो वीडियो अगर आपने एनिमेटेड एनिमेशन के थ्रू बनाया है तो जो एनिमेशन वाला वीडियो होगा उस पर व्यूज थोड़े ज़्यादा मिलेंगे आपको उसके कंपेयर में जो आपने इमेजेस और टेक्स्ट लेके बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने चैनल के एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। उस ऐप सॉफ्टवेयर या ऐप का नाम है वीडियोस्क्राइब, जो कि एक विंडोज और मैक के लिए अवेलेबल है। मैं आज आपको यहाँ विंडोज के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो जैसे उस लिंक को आप ओपन करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो डाउनलोड का आइकन नज़र आ रहा है, इस डाउनलोड के आइकन पर आप एक बार क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आप एक बार और डाउनलोड एनीवेयर पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके पीसी में ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जो कि 76 MB की है। मैंने इस फाइल को पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ डाउनलोड नहीं करूँगा और मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। ये वो फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी है अपने पीसी में। जैसे ही एक बार ये फाइल डाउनलोड हो जाती है तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद एक्सट्रैक्ट टू स्पार्कल वीडियो स्क्राइब इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से ये फाइल आपके पीसी में एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको विंडरार सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लें विंडरार। और एक बार जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आपको इस तरीके का एक फोल्डर मिलेगा अपने पीसी में, ये देखिए यहाँ पर। इसको आप डबल क्लिक से ओपन कर लीजिए। इसे ओपन करने के बाद स्पार्कल वीडियो स्क्राइब प्रो एडिशन 2.3.0 इसको ओपन कर लीजिए डबल क्लिक से। इसके बाद इसके अंदर आपको ये चार चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें से जो पहला है क्रैक, ये वो क्रैक है जिससे हम फ्री में इसे यूज़ कर सकते हैं फुल वर्जन को। ये कुछ डाउनलोडिंग नोट्स हैं और नीचे है जो इसका MSI फाइल है इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप इसको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लें तो आप अपने पीसी का इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दें, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मैंने आप मेरा वाईफाई बंद कर दिया। उसके बाद आप videoscribe.msi पर डबल क्लिक कीजिए और इसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने वीडियो की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऐप की, आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। कुछ वक्त लेगा ये, तो आपको वेट करना होगा उसके लिए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ही इंस्टॉल हो गया है। जैसे इंस्टॉल होगा ये एक पेज खुलेगा आपके सामने आपके किसी ब्राउजर में, तो इसे आप क्रॉस कर दीजिए। इसे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो लॉन्च स्पार्कल वीडियो स्क्राइब का जो टिक मार्क लगा इसे आप हटा दीजिए और इसे फिनिश कर दीजिए। हमें इसे ओपन नहीं करना है अभी, इसे फिनिश कर दीजिए। इसके बाद आप चले जाइए इस क्रैक वाले फोल्डर में और यहाँ से इस फाइल को आप कॉपी कर लीजिए। मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको अपने पीसी की सी ड्राइव में जाना है जहाँ पर हमने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। सी ड्राइव में करते हैं, सी ड्राइव में जाइए आप। उसके बाद नीचे जाइए आप और आपको यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स इस तरह का जो भी आपके पीसी फोल्डर हो सिस्टम फाइल्स का उसको आप ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर नज़र आएगा स्पार्कल, ये देखिए, इसे आप ओपन करिए और स्पार्कल वीडियो स्क्राइब से एक बार ओपन करिए और यहाँ पर वो जो फाइल आपने कॉपी की थी उसे आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप इसे पेस्ट करते हैं पूछता है, तो इसे आप रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन कीजिए। उसके बाद इसे आप परमिशन दीजिए, कंटिन्यू कीजिए इसे। तो जैसे आप ये करेंगे ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। बस अब आप इसे क्लोज कर दीजिए इस टैब को और
अब आप ना ये सॉफ्टवेयर को ओपन करिए जो कि हमने अभी भी इंस्टॉल किया है। यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर आइकन भी है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं अपन डायरेक्टली डबल क्लिक करके। जैसे ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन होगा तो आपसे ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप फिर से उसी फोल्डर में जाइए हमने एक्सट्रैक्ट किया था ये वाला। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल नोट्स डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल है, इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको ये ईमेल आईडी नज़र आ रही है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी के साथ आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप वीडियो स्क्राइब में जाइए फिर से और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी से, हमने पेस्ट कर दिया। तब फिर से आप इस नोट्स वाली फाइल में जाइए जो हमने अभी ओपन की थी, और ये जो पासवर्ड है नीचे इसको भी आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और वीडियो स्क्राइब में जाने के बाद पासवर्ड के अंदर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ रिमेंबर पर टिक मार्क रहने दीजिए और लॉगिन कर दीजिए, और इसे आपको राइट कर देना है। जैसे आप इसे करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा यू आर नाउ इन ऑफलाइन मोड एंजॉय, बस इसे आप फिर से एक बार टिक मार्क कीजिए और अब आपका ये सॉफ्टवेयर है ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से टेक्स्ट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसे यहाँ से राइट कर दीजिए जो भी आप लिखना चाहें। राइट करने के बाद आप यहाँ से इस वीडियो के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप जब इसे प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेंसिल से आपकी एनिमेटेड वीडियो बन चुका है। इस तरीके से इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से इमेज, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, और आप चाहें तो यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं। आप यहाँ से इमेज ले सकते हैं इसमें से एड इमेज, अब जो भी आप इमेज लेना चाहें वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब इमेज में हमारा एनिमेटेड बन चुका है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने एनिमेटेड वीडियो से अपना इंट्रो बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको द्वारा हमारे आप ताकि आपको डायरेक्टली अपने फ़ोन में हमारे द्वारा बनाए गए लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। हिट सब्सक्राइब।